तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास है भीगी हुई मटर। ये मेरे पास पीली मटर है जिसको आप लोग मोस्टली नाश्ते में खाते हैं। आज मैं इससे लंच और ब्रंच दोनों तैयार करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसको लंच बोल सकते हैं, चाहो तो ब्रंच। अभी मैं इसको बॉईल करने रख रही हूँ नमक डालकर। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, मैं मटर को चढ़ाकर रख जाऊंगी और फिर तैयार होकर आऊंगी। मैंने बहुत सारी तैयारी ऑलरेडी कर रखी है क्योंकि बाद में आपको बोलते हो कि तैयारी भी आप बाद में करते हो। तो जैसे कढ़ाइयाँ ले ली है मैंने, सारे चम्मच वगैरह। तो देखिए हमारी मटर अच्छे से बॉइल हो गई है। इसके लिए अभी हम कट कर लेंगे थोड़ा सा टमाटर और प्याज, और इस मटर को हम छौंक कर तैयार करेंगे। ये पीली मटर है जो हम लोग मोस्टली नाश्ते में खाते हैं। तो ये है मेरे पास टमाटर, प्याज और हरी मिर्च। इसको मुझे बारीक बारीक चॉप करना है। और यहाँ पर मैंने एक कटोरा लिया है, इसमें मैं बनाने वाली हूँ इसके साथ के लिए पापड़ी। तो चलिए मैं सबसे पहले आटा लगा के रख देती हूँ, बिकॉज आटे को हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे भी। यहाँ पर आटा मैंने निकाल कर रखा हुआ है, टमाटर मिर्च और प्याज है, और मटर आप देख सकते हैं जो मैंने बॉईल करने के लिए रखी थी वो बॉईल हो चुकी है। तो आटे में मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, और बहुत थोड़ा सा चुटकी भर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर बेकिंग पाउडर, यानी चौथाई चम्मच। आप चाहें तो बेकिंग पाउडर को स्किप कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट बेकिंग पाउडर से काफ़ी क्रंची और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। क्रंची ये वैसे भी हो जाती है, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि आज सैटरडे का दिन है, तो हमारा लंच और ब्रंच एक ही हो रहा है। लंच और ब्रंच यदि एक ही होता है तो उस दिन काफ़ी कुछ आपके पास टाइम बच जाता है, जिसमें आप बच्चों के साथ भी खेल सकते हैं और भी मस्ती कर सकते हैं। सैटरडे संडे का इंतज़ार तो सबको ही रहता है, और भी घर के बहुत सारे ऐसे पेंडिंग काम इकट्ठे हो जाते हैं जो हम सैटरडे संडे के लिए छोड़ देते हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी बढ़िया रहता है। तो ये देखिए मैंने आटा लगा लिया है, ये पराठे के आटे से हल्का सा कर्रा आटा है, यानी पूड़ी जैसा। और एक साइड अब मैंने कढ़ाई गर्म करने रखी है, इस पर मैंने 2 चम्मच घी डाला है। इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, जीरा हमारा देखिए भुन गया है। तो लाल मिर्ची, हल्दी, बहुत ही सिंपल से बस मसाले डाले हैं, लाल मिर्च, हल्दी और जीरा। और इसमें हमारी जो मटर है बॉईल की हुई, इसको मैं डाल रही हूँ। मटर को बॉईल करने के लिए मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसमें 4 से 5 सीटी ली हैं, लेकिन अभी भी मुझे मटर कुछ हल्की सी खड़ी दिख रही है, तो मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी इसमें और इसको ढक कर रख दूंगी अभी लो फ्लेम पर। सफ़ेद नमक मैंने पहले ही डाल दिया था बॉईल के टाइम पर, अब मैंने इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है। आप चाहे तो मिर्च मसाले अपने अकॉर्डिंग थोड़े कम ज़्यादा और भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें मैं आमचूर का पाउडर भी डाल रही हूँ, क्योंकि उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यदि आमचूर नहीं खाना चाहते आप तो नींबू का रस आप डाल सकते हैं, और थोड़ा सा भुना मसाला। अब मैं बस इसको ढक कर लो फ्लेम पर रख दूँगी, जिससे ये और भी अच्छी और बढ़िया तैयार हो जाएगी। यदि आपको ये थोड़ी सूखी सी लगे तो आप इसमें पानी की मात्रा थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसको रख देती हूँ अभी स्लो फ्लेम पर, और आटा हमने लगाकर तैयार रख लिया है। एक साइड हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च निकाल कर रखे हुए थे। तो जब तक आटा हो रहा है, मटर हो रही है, मैं सोच रही हूँ प्याज टमाटर को एकदम बारीक बारीक चॉप करके रख लेते हैं। आप चाहें तो प्याज टमाटर इसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं, या फिर जैसे हम लोग इसको ऊपर से डालकर, क्योंकि उसका टेस्ट काफ़ी क्रंची और डिफरेंट आता है, तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। हरी मिर्च आप चाहें तो मटर के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। यदि आपको अदरक पसंद है तो आप अदरक भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो ये है आटा, और ये सब कट के तैयार है। तो अब मैं आटे को पहले रेडी कर लेती हूँ। इसकी हम छोटी छोटी पूड़ियों जैसी लोई तोड़ लेंगे। तो ये मैंने पूड़ी जैसी लोई तोड़कर रेडी कर ली है।
अब मैं इनको बेल कर रख लूंगी। अभी मैंने गैस ऑन नहीं की है ना ही कढ़ाई ऑन की है, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि आप इनको बिना बेकिंग पाउडर के भी रेडी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से एकदम पतली पूड़ियाँ आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी मोटी नहीं है, थिक नहीं है, एकदम पतली है, किनारियाँ भी इसकी एकदम पतली हैं। ऐसी पतली पतली पूड़ियाँ हमने काफ़ी सारी बेल कर रख ली हैं और अब हम इनको उलट पुलट कर हवा भी लगा लेंगे साथ के साथ। हवा लगाने से होता यह है कि ये बहुत कम फूलती हैं। आप इस तरह से पंखे के नीचे रख दीजिए इनको और हवा लगा लीजिए। जब तेल एकदम गर्म हो जाए उसके बाद आपको डालना है। और उसके बाद मैं इसको देखिए कितने कर्रे से प्रेस कर रही हूँ जिससे ये फूलें ही ना, फूलेंगी भी तो बहुत हल्की फुल्की फूलेंगी। और इनको उलट पुलट कर हम सेक कर रेडी कर लेंगे। ये अंदर से एकदम खस्ता करारी हमारी पापड़ियाँ रेडी हो गई हैं। और ये वाला जो आपका लंच है ये बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। तो देखिए अभी मेरी दो रेडी हो गई हैं, मैं पहले सर्व कर देती हूँ गर्मा गर्म, फिर और सेकना स्टार्ट करेंगे। हमारी मटर भी रेडी है, इस पर हमने थोड़ा सा टमाटर ऊपर से बुरखा है, प्याज बुरखी है और अलग से भी हम थोड़ा सा टमाटर प्याज रख देते हैं। उसके साथ ही मैंने रख दिया है यहाँ पर नींबू। तो इसको खाने के लिए हम पापड़ी के ऊपर इस तरह से मटर फैलाएंगे, टमाटर प्याज डालेंगे और ऊपर से थोड़ा सा नींबू डालेंगे। और ये देखिए रेडी है हमारी पापड़ी खाने के लिए, एकदम गर्की गर्की पापड़ी। मैं इसकी आवाज़ आपको सुनाती हूँ एक बार, तो आप भी इसको ट्राई कीजिए और अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।